हे भगवान, ये लड़की। शीतल, 12:30 हो चुके हैं, सोना नहीं है तुझे? सोऊंगी तो नींद में खाना तो नहीं बना सकती ना मामे। अब वो भी सीख ले, कम से कम उस बहाने तो तुझे थोड़ी बहुत नींद मिलेगी, वरना तू तो बस। माँ, वो पड़ोस में टीचर है ना, मिसेस भट्ट, वो अपने स्टूडेंट्स को पिकनिक पर ले जा रही है, तो मौका देखकर मैंने केटरिंग का ऑर्डर ले लिया उनसे। सुबह 5 बजे भिजवाना है ये सब। और वो दोपहर को लेडीज क्लब की पार्टी भी है ना? हाँ है ना, यानी शाम के 6 बजे तक नींद कैंसिल। क्या देख रही हूँ? सोच रही हूँ। क्या? उस दिन प्रीति की शादी में प्रिया मिली थी ना, तो कितनी सुंदर लग रही थी ना प्रिया। सुंदर तो खैर वो है ही, लेकिन माँ बनने वाला वो जो ग्लो होता है ना चेहरे पे, कैसे साफ नजर आ रहा था, है ना माँ? सोच रही थी अगर यही चमक तेरे चेहरे पर आती तो। शुरू हो गया तुम्हारा अफसोस पुराण? अब तक तो तेरे यहाँ बच्चा आ भी गया होता। हाँ, और मैं माँ बनने की खुशी में झूम रही होती, सुखी होती, सेटल्ड होती, जो कि आज नहीं हूँ, है ना माँ? माँ तुम क्यों ऐसा सोचती हो? क्यों मुझे गलत एहसास दिलाती हो कि मैं अधूरी हूँ, ना खुश हूँ? माँ बन गई होती तो क्या माँ? सो व्हाट, क्या अचीव कर लिया होता मैंने? हाँ तो इतना क्यों बिगड़ रही है? मैं तो बस यूं ही। यूं ही नहीं, मैं जानती हूँ ना मेरे बारे में सोच सोच कर तुम्हें तकलीफ होती है ना। आई नो दैट वेरी वेल। माँ तुम्हें खुशी नहीं होती? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे खुशी नहीं होती तुम्हें? अपने भाई बहन, माँ बाप, परिवार वालों को जिंदगी में ऊपर लाने का जो मिशन है हर लड़की कर पाती है माँ? शादी करके चली जाती है और धीरे धीरे भुला देती है अपने मायके वालों को? माँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे अफसोस मनाने के बजाय यू शुड फील प्राउड माँ। मुझे मोटिवेट करना चाहिए। माँ हमारा एक रेस्टोरेंट होगा, फिर होटेल्स होंगे, फिर चेन ऑफ होटेल्स होंगे, इतना बड़ा एम्पायर माँ, स्काई इज द लिमिट। और इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करने वाली तुम्हारी यही बेटी उस एम्पायर की माँ कहलाएगी। दैट्स गोइंग टू बी माय चाइल्ड, माय बेबी। सिर्फ प्रिया माँ नहीं बनने वाली है माँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ।